हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आवर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर ग्लोरी ऑफ ट्रीज। एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन आवर लास्ट वीडियो। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट लैंड। ठीक है, लैंड के बारे में कि किस तरह की लैंड होती है जो फॉरेस्ट में है या विलेजेस में है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ग्लोरी ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज़ के बारे में, पेड़ों की महिमा, वृक्षों की महिमा, मतलब जो पेड़ होते हैं वो कितने ज़्यादा असेंशियल होते हैं। तो हमारा जी लास्ट क्लास थी, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लिविंग बींग्स के लिए, कि जो प्लांट्स हैं कौन सी गैस है इनहेल करते हैं या रिलीज़ करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ट्रीज़ जो है इनकी क्या इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है, इसके बारे में हम और सब कुछ डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ रहे हैं एक अलग टॉपिक है, जैसे पास्चर लैंड एंड ओरन लैंड, ये क्या होती है। ठीक है, पास्चर लैंड, ओरन लैंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ बर्ड सेंचुरीज, पार्क्स हैं कुछ फेमस, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एक फूड चेन के बारे में, इसके बारे में फूड चेन क्या होता है। तो ये आपके इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, इसमें देखो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ इसमें एक ऐसी स्टोरी है, एक मदर है और डॉटर की, जो डॉटर है अपनी मदर से क्वेश्चंस आस्क करती है किस बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है उससे क्या होता है, जंगल नहीं होगे तो क्या हो जाएगा। तो जो वो डॉटर है अपनी मदर से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, तो उसकी मदर उसको उसके आंसर्स देती हैं या रिप्लाई देती हैं कि जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं, वो सब कितने ज़रूरी है हमारे लिए और उनकी कमी होने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं हम लोगों को, क्या क्या कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। तो यही इसी टॉपिक को आगे ले जाते हो, यही स्टोरी है। इसमें वही दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बातें करते हैं, भव्य एंड संजय, नेम्ड टू फ्रेंड्स दिस नेम्स आर भव्य एंड संजय। तो ये दो फ्रेंड्स हैं, जो इसकी जो ये फ्रेंड है भव्या संजय की, ये शी विजिटेड द फेयर ऑफ आवर फॉक डेटी, मतलब उसने क्या किया था, कहाँ विजिट किया था, कहाँ जाकर आई थी, आवर फॉक डीएटी, डीएटी मतलब देवता, फॉक मतलब लोक देवता हो गया कोई भी, जैसे हमारे नहीं होते राजस्थान में, वैसे राजस्थान की बात करें तो हमारे जो राजस्थान में नहीं होते बहुत सारे लोक देवता है, लोक देवी देवता, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, जैसे बाबा रामदेव, ये गोगा जी होते हैं, तेजा जी हो गए, रामदेव जी हो गए हैं। तो ये जो देवी देवता होते हैं, जो लोक देवता जिसे हम कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में जिनको माना जाता है तो उनकी पूजा होती है। तो उसने ऐसे ही एक लोक देवता का जो मेला था वहाँ पे उसने विजिट किया था, विजिटेड द फेयर ऑफ अवर फॉक डीएटी, डीएटी मतलब देवता। तो ऐसे ही लोग देवी देवताओं के जैसे मेले नहीं लगते हैं, गोगा जी का मेला हो गया, कभी रामदेव जी का मेला भरता है, तेजा जी का हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक मेले में उसने क्या किया था, फेयर में विजिट किया था। तो उसने क्या देखा, शी सॉ ए बिग पास्चर लैंड और ओरन नियर द फेयर कंपाउंड। आपने देखा है ये जो मेले लगते हैं, ये जो फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इस तरह के जो डीएटी हमारे फॉक डीएटी जो होते हैं उनके लिए, जो देवताओं के लिए इस तरह के जो मेले लगते हैं, वो एक बड़े से कंपाउंड, जो ग्राउंड होता है, खाली ग्राउंड होता है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो उसने वहाँ के आसपास एक ऐसी लैंड देखी, पास्चर लैंड और ओरन। तो वहाँ पे उसने ये नोटिस किया कि खाली ज़मीन थी बहुत सारी, जहाँ पे ट्रीज थे, बुशेस थे, जिनको काटा भी नहीं जाए, लोग जिनको एक्सक्यूज़ नहीं करते थे काटने के लिए, मतलब काटते नहीं थे उनको। तो फिर उसी ने ये जो सारे टॉपिक है डिस्कस किया, किससे, अपने फ्रेंड को बताया इस बारे में कि मैंने ऐसे फेयर में विजिट किया था एक, तो वहाँ पे मैंने किस तरह की लैंड देखी, पास्चर लैंड एंड ओरन नियर द फेयर कंपाउंड, जो फेयर मेला था उसके आसपास मैंने इस तरह की लैंड देखी। तो उसका जो फ्रेंड था उसने एक क्वेश्चन आस्क किया, व्हाट इज़ द पास्चर लैंड, ठीक है, कि ये पास्चर लैंड क्या होती है, ये ओरन लैंड क्या होती है, इसके बारे में पूछा कि तुमने ये देखा है तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बताओ मुझे भी, कि ये पास्चर लैंड क्या होती है
और ओरन लैंड क्या होती है, ठीक है। पास्चर लैंड क्या होती है, जैसे बच्चों आपने सुना होगा, देखा होगा, जो कुछ जो पशु होते हैं जहाँ पे चरते हैं, मतलब घास वगैरह खाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। जो लैंड होती है किसके लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, चरने के लिए, तो वो तो पास्चर लैंड होती है, ठीक है, जहाँ पे कैटल्स जो है ग्रेजिंग करते हैं। लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग फॉर कैटल्स इज कॉल्ड पास्चर लैंड, ठीक है। ग्रेजिंग के लिए जो लैंड यूज़ होती है, चारा, जो चारागाह जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वो होते हैं पास्चर लैंड होती है। अब ओरन लैंड के बारे में क्या बताया उसने, कि आवर स्टेट हैज़ ए ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट, कि हमारे जो स्टेट है, हमारे राजस्थान में है, जो हमारे राज्य में है, कुछ ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी प्रथाएं हैं, किसके लिए, जंगलों को कंजर्व करने के लिए। इसके रिगार्डिंग जैसे मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें एक स्टोरी भी बताई थी खेजड़ली जो विलेज के बारे में, कि कैसे वहाँ के लोगों ने अपने आप का कैसे बलिदान दे दिया था ट्रीज़ के लिए, कैसे खुद वो उनके साथ ही काट दिए गए थे। अमृता देवी जो थी, एक मूवमेंट चलाया गया था, चिपको आंदोलन है, उसके बारे में बात की थी हमने। उसी तरह से हमारी जो स्टेट में क्या है, बहुत पुराने कुछ ट्रेडिशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम। तो हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन, बहुत पुराने ऐसे ट्रेडिशन हैं, प्रथाएं चल रही हैं, किसके लिए, कंजर्विंग द फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने के लिए। पीपल इन विलेज कंजर्व द लैंड, जो गांव के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, जो गांव की कुछ ज़मीन का हिस्सा कंजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, इन द नेम ऑफ फॉक डिटी, किस वजह से, किसी लोक देवी देवताओं के, नहीं होते हैं कि जैसे मेड़ी वगैरह बना देते हैं, गोगा जी की होगी, रामदेव जी का बना दिया, कहीं तेजा जी का मंदिर बन जाता है, इस तरह से छोटे छोटे वो बना देते हैं मंदिर, जिसके चारों तरफ कुछ ज़मीन भी खाली छोड़ दी जाती है। तो इसी तरह से जो विलेज के पीपल होते हैं, दिस कंजर्व द लैंड इन द नेम ऑफ फॉक डेटी, ठीक है। तो और या संत है, या ग्रेट ग्रेट वहाँ के कुछ कोई वहाँ का फेमस कोई ग्रेट मैन होते हैं, महान व्यक्ति जो होते हैं, या फिर वहाँ कोई संत महापुरुष होते हैं, या लोक देवी देवता होते हैं, तो उनके नाम से कुछ ज़मीन जो होती है वो संरक्षित कर दी जाती है, कंजर्व कर दी जाती है, ठीक है, फॉर देम। तो इस वजह से उस ज़मीन को क्या कहा जाता है, ओरन लैंड कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, दैट लैंड इज कॉल्ड ओरन लैंड, उसे ओरन लैंड कहते हैं। एक बार फिर से हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इसको, आवर स्टेट हैज एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट, पीपल इन विलेज कंजर्व द लैंड इन द नेम ऑफ फॉक डेटी, संत्स और ग्रेट मैन, ठीक है। गांव के जो लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी फॉक डेटी या संत जो होते हैं, या ग्रेट मैन, कोई महान व्यक्ति वहाँ का, तो वहाँ उसके नाम से क्या करते हैं, कुछ ज़मीन को कंजर्व कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं, कुछ छोटा कोई मंदिर वगैरह बना देते हैं, फिर वहाँ पर एक मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड ओरन लैंड। और इसके लिए गवर्नमेंट के जैसे ये ट्रेडिशन होते हैं, जो लोगों की मान्यताएं होती है, हमारी संस्कृति है, कल्चर है, प्रथाएं, तो इनको फिर गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लोगों की ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए लॉज बनाती है और इसको प्रोटेक्शन भी देती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या है, जो ओरन जो लैंड होती है, या गोचर लैंड, गाय वगैरह चरती है, जो गोचर लैंड जो होती है और पास्चर लैंड जो होती है, इन सबको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी गवर्नमेंट वेरियस ट्रेडिशंस और लॉ, अलग अलग ट्रेडिशंस के द्वारा और लॉज बना के, कानून बना के, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों आपको, ये हमने बात की है पास्चर लैंड के बारे में और ओरन के बारे में, ठीक है। इस तरह की अलग अलग टाइप्स की लैंड होती है। अब हम बात करते हैं कुछ पार्क और सेंचुरीज के बारे में। पार्क और सेंचुरीज जहाँ पे क्या होते हैं, बड़े जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जहाँ पे कुछ स्पेशल स्पीशियस होती हैं, किसकी, बर्ड्स की है, एनिमल्स की, उनको कंजर्व रखा जाता है, सुरक्षित वहाँ जहाँ पे रहते हैं वो, ऐसे पार्क्स बनाए गए हैं और सेंचुरीज बनाई गई है। इसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखो कुछ फेमस कुछ बड़े इनके नाम दिए हैं आपके, रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। रणथंभौर ये किसके लिए है, टाइगर्स के लिए, बाघों के लिए, संरक्षित करने, क्योंकि ये ऐसे कैटेगरीज के एनिमल्स होते हैं, जातियाँ होती हैं, जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है। इनको प्रिजर्व रखने के लिए, इनको कंजर्व रखने के लिए क्या बनाए गए हैं, कुछ पार्क और सेंचुरीज बनाई गई हैं। जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर लोकेटेड है, सवाई माधोपुर में, कहाँ पे है, हमारे राजस्थान में ही है ये सारे, राजस्थान में कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है, ठीक
ठीक है. तो फर्स्ट इज रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, वेयर इट इज लोकेटेड इन सवाई माधोपुर. बहुत ही यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, देखने के लिए भी जाते हैं, विजिट करने के लिए. नेक्स्ट इज अवर केवला देव नेशनल पार्क. केवला देव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी, घना बर्ड सेंचुरी, पक्षी ये अभयारण्य जिसे कहते हैं हिंदी में, ये बर्ड सेंचुरी है. ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, भरतपुर में. वेयर इट इज इन भरतपुर. थर्ड इज अवर डेजर्ट नेशनल पार्क, मरुस्थलीय जिसे भी कहते हैं, मरु उद्यान जिसे भी कहते हैं. डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, इट इज़ इन जैसलमेर एंड बाड़मेर, बोथ ऑफ, दोनों, ठीक है, दोनों के बॉर्डर में आता है ये, जैसलमेर भी और बाड़मेर भी. नेक्स्ट इज अवर सरिस्का नेशनल पार्क. सरिस्का कहाँ पे है, सरिस्का इन अलवर. तो ये कुछ चार जो हैं आपकी बुक में, तो ये फोर ही हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं नेशनल पार्क्स हैं जो बर्ड सेंचुरीज हैं, लेकिन आपके ये कुछ मेन ही दिए गए हैं. रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क सवाई माधोपुर है, केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में है, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर एंड बाड़मेर, एंड सरिस्का नेशनल पार्क इन अलवर. ओके, तो ये हो गए हमारे पार्क एंड सेंचुरीज, सम इम्पॉर्टेंट इन्हीं के बारे में बताया गया आपकी नोटबुक बुक में है. नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अब फूड चेन के बारे में. ठीक है, व्हाट इज़ फूड चेन. देखो हमारी जो एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है, उसका एक इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, बायोलॉजिकल बैलेंस बनाने मेंटेन करने के लिए एक चेन बनी हुई है. ठीक है, कैसी चेन है, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स. हर्बीवोरस एनिमल्स आपने साइंस में भी पढ़े होंगे, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, हु फीड ऑन प्लांट्स. ऐसे एनिमल्स जिस जो किस पे जीते हैं, प्लांट्स पे, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, शाकाहारी जो होते हैं. ठीक है, जानवरों को जंतुओं को नहीं खाते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं. गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स, वो अपना जो जो फूड है वो कहाँ से मिलता है उन्हें, ट्रीज से और प्लांट्स से है. छोटे छोटे कौन से, जैसे रैबिट हो गया है, जैसे अपने काऊ है, ये सब भी घास खाते हैं. जो घास पेड़ पौधे खाने वाले जो जंतु होते हैं उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, दैट आर फीड ऑन ओनली प्लांट्स. गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज प्लांट्स एंड, ठीक है, अब द एनिमल्स दैट ईट मीट. ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, क्या ईट करते हैं, मीट, फ्लैश खाते हैं, मीट मांस जो खाते हैं, उन्हें कौन से एनिमल्स कहते हैं, कार्निवर्स. कौन से होते हैं, कार्निवर्स. साइंस में आपने बिल्कुल पढ़े होंगे, इनमें डिफरेंस भी आपने पढ़ा होगा, हर्बीवर्स और कार्निवर्स कौन कौन से. हर्बीवर्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड कार्निवर्स दैट ईट फ्लैश और मीट. ऐसे एनिमल्स जो ईट क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मांसाहारी भी जिसे हम कहते हैं. गेट देयर फूड फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स, छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाकर क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं. ठीक है, तो अब इसमें एक चेन बनती है. देखो जैसे प्लांट्स हो गए पहले, अब प्लांट्स को कौन खाता है, रैबिट खा रहा है. मान लो वन एग्जांपल दिए ओनली, मतलब रैबिट क्या हो गया, हर्बीवोरस हो गया. हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस खाएगा. फॉक्स खाएगी, फॉक्स को फिर बड़े एनिमल खाएंगे, जैसे लायन हो गया. ठीक है, प्लांट्स है, प्लांट्स को रैबिट, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को लायन, इस तरह से ये एक फूड चेन हो जाती है. इसमें से यदि एक भी चीज़ निकाल दी जाए, ठीक है, यदि हम एक भी पार्ट को इसमें से रिमूव कर दें तो क्या होगा, यू थिंक क्या हो सकता है, पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है हमारे जो एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का है हमारा, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा इससे. तो हर चीज़ अपनी जगह कंपलसरी होती है. प्लांट्स भी ज़रूरी है, मान लो इसमें से रैबिट नहीं हो तो क्या होगा, तो ये तो कार्निवोरस है, फ्लैश ईटर है ये, तो फॉक्स तो ये घास तो ये खाते नहीं है, तो इनकी तो क्या होगा, पेड़ पौधे इतने हो जाएंगे कि इनको कोई, जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स हो जाएंगे इतने, इनको कौन खाएगा. ठीक है, मान लो ये हट जाए, फॉक्स को हम हटा दें तो क्या हो, इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इनको कोई खाने वाला नहीं होगा. रैबिट है या जो हर्बीवोरस है, इनकी संख्या इतनी, हिरन है, डियर हो गया या रैबिट हो गया, इतनी ज़्यादा इनके नंबर्स हो जाएंगे तो कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे, इनको कोई खाने वाला नहीं होगा. इस तरह से ये सारे अपनी अपनी प्लेस पे क्या है, वैल्यूबल है, इम्पॉर्टेंट है. तो ये क्या होती है, ये एक फूड चेन हो गई है. ठीक है, द फूडिंग रिलेशन अमंग डिफरेंट लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन. ठीक है, तो इन सब के बीच में जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है, फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग बींग्स एंड थिंग्स, इन सब के बीच का जो एक बैलेंस होता है, रिलेशनशिप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड
फूड चेन, इसे हम खाद्य श्रृंखला जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे फूड चेन कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर अवर एनवायरमेंट बैलेंसिंग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रिपीट इट वन टाइम। हमने पढ़ लिया जैसे पॉस्चर लैंड कौन सी होती है, लैंड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स, है ना, ये हो गई पॉस्चर लैंड। फिर इसके बारे में हमने ओरल लैंड पढ़ लिया कि एक ऐसी लैंड जिसको हम प्रिजर्व कर देते हैं, जो विलेज के कुछ लोग होते हैं, पीपल ऑफ विलेज प्रोटेक्ट या कंजर्व एनी टाइप ऑफ लैंड द नेम ऑफ फॉक डेटी सेंस और ग्रेट मैन, किसी भी महापुरुष देवी देवताओं के नाम से जब ज़मीन के किसी एक हिस्से को संरक्षित कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑरन लैंड कहते हैं। और इसमें हमारी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है उन्हें, क्योंकि ये सब चीज़ें किससे जुड़ी होती है, ट्रेडिशन से जुड़ी होती है, कस्टम से जुड़ी होती है, हमारे रीति रिवाज से, कल्चर से, संस्कृति से। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं या ट्रेडिशन हैं जिसके द्वारा क्या होती है, जिनके थ्रू गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हमने बात की है पार्क्स और सेंचुरीज की। कुछ फेमस बड़े बड़े जो पार्क सेंचुरीज के नाम है आपकी नोटबुक में, सॉरी जो बुक में है मेंशन है, वो मैंने आपको करवाए हैं। रणथंभौर टाइगर नेशनल रिजर्व पार्क जो है वो है सवाई माधोपुर है। केवलादेव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी इट इज़ इन भरतपुर। डेजर्ट नेशनल पार्क इट इज़ इन जैसलमेर एंड बाड़मेर बोथ ऑफ, एंड सरिस्का नेशनल पार्क इन अलवर। नेक्स्ट इज अवर टॉपिक फूड चेन, हर्बीवर्स एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड कार्निवर्स एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम मीट। तो इन सब एनिमल्स के बीच में क्या होती है, एक चेन बनी होती है। प्लांट ईटर्स होते हैं, कुछ एनिमल ईटर्स होते हैं, प्लांट्स हैं उनको रैबिट खाएगा, जो हर्बीवर्स होते हैं उनको कार्निवर्स खाते हैं। इस तरह से एक इन सब के बीच में एक फीडिंग रिलेशनशिप होता है, जो क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको PDF में और सेंड करूँगी मैं, तो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस।